بسم الله الرحمن जहाँ गुलाम हो गए, दो जहाँ गुलाम हो गए, फैज़ उनके आम हो गए। मुक्तदी है सारे अंबिया, मुस्तफ़ा इमाम हो गए, मुस्तफ़ा इमाम हो गए, फैज़ उनके आम हो गए। जिसका असल मकसद सिर्फ ये होता है कि जितने हमारे दोस्त जो अपनी फील्ड की वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफियात का शिकार होते हैं, अमान इमरान एक गेट टुगेदर के ज़रिए वो एक जगह बैठ के आपस के साथ खुशी के लम्हात गुजारे हैं। और बहुत बहुत अरसे के बाद, चूँकि अब मीडिया का वॉल्यूम जैसा कि आप जानते हैं कि तब्दील हो गया है और ज़्यादातर डिजिटल ने उसके ऊपर कंट्रोल कर रखा है, तो पहले तो हर इवेंट में रोज़ की बुनियाद पे मुलाकातें हुआ करती थी, लेकिन अब उन मुलाकातों में भी बहुत तखीर होती है। तो बहरहाल मैं बेग साहब का शुक्रगुजार हूँ और ख़ासतौर पर कमांडर बिल्डर साहब का कि जिन्होंने इस तकरीब में भरपूर तावन किया है। पैप बुनियादी तौर पे, जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम फोटोग्राफर्स उसके मेंबर्स हैं और ये हमारे प्रिंट के साफ़त में हम इनको अपना फ्रंट लाइन सोल्जर कहते थे, क्योंकि जब भी जहाँ भी कोई भी वाकया हो, चाहे वो खौफ से भरा हो, चाहे खुशी का हो, चाहे गमी का हो, लेकिन सबसे पहले जो वहाँ पहुँचते थे वो फोटोग्राफर्स थे। यकीनन उनके साथ फिर रिपोर्टर्स वहाँ पहुँच जाया करते थे, लेकिन इन्होंने कभी ये परवाह ना की कि किसी जिलजिले में, तूफ़ान में, आंधी में, गोलियों की बुछाड़ में, कर्फ्यू में, कि हमारी जानें भी जा सकती हैं। तो ये वो पैशन था जो अपने पेशे के साथ ये हमेशा से निभाते रहे हैं और उसकी पादाश में कई हमारे फोटोग्राफर्स भी शहीद हुए। कई इवेंट्स ऐसे हुए जिनमें बम ब्लास्ट हुए, फायरिंगें हुई, कुछ हमारे साफ़ी आज तक ज़ख्मी हैं, किसी की आंख ज़ख्मी है, किसी की उंगलियां नहीं हैं। मकसद ये है कि ये हमारा जो पेशा है, ये हमें ये सिखाता है कि आप अपनी जान को हथेली पर रख कर आपको जो भी वाकया हो रहा है, जिस तरह का भी है,
उसको एज एट आवाम तक उसकी आगाही पहुंचानी है। मोहतरम दोस्त अहबाब, प्रेस क्लब में जितने चेहरे नजर आ रहे हैं उसमें कोई 20 साल पुराना ताल्लुक है, किसी से 25 साल पुराना ताल्लुक है, कुछ उससे भी ज्यादा पुराने ताल्लुक वाले चेहरे लगते हैं। अब ये वो रिश्ता है आपका और हमारा मीडिया का, फेडरेशन का, चैम्बर्स के और मुख्तलिफ ट्रेड बॉडीज जिनकी नुमाइंदगी हम करते थे, वो चलता चला आ रहा है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जमाली साहब, इतने खूबसूरत अंदाज एक और व्यू दिया पूरा, उसमें उन्होंने जर्नलिस्ट कम्युनिटी की कुर्बानियाँ सेक्रीफाइस के बारे में भी जिक्र किया। मैं वेलकम करता हूँ मुर्तजा वहाब साहब को मेयर कराची। मैं ये समझता हूँ कि वेजेस की जो इनका एक बहुत मशहूर वेजेस का अवार्ड, वो मसले को तो अब हल हो जाना चाहिए। उसमें इतना टाइम दे दिया गया है कि मैं नहीं समझता मजीद उसके लिए कोई टाइम दिया जा सकता है। तो मैं बिजनेस कम्युनिटी की उन तमाम इदारों को जिनकी मैं मुख्तलिफ हैसियत से नुमाइंदगी करता हूँ, आपको यकीन दिलाता हूँ जमाली साहब हम आपके साथ हैं, आपका हक है, बोनिफाइड हक है आपका, जायज़ हक है आपका और उसको अब तक आपको मिल जाना चाहिए और इस जद्दोजहद में हम आपके साथ हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि दूसरे मुजीजीन भी हाजिर हुए हैं, सिर्फ ये बतलाता हूँ कि ये पैर ने एक नहायत ही खूबसूरत सिलसिला रखा हुआ। तो मुझे जब मैंने एनालिसिस किया तो दो चीज़ों पर काम करना था, एक जहालत को ख़त्म करना था और एक गुर्बत को ख़त्म करना। ये दो मसले बड़े थे जो इस मुल्क में 75 सालों में नहीं हो सके, तो आज हम सुरखरू नहीं हो सके। हमारी मईशत कशकोल की मईशत है, हम भीख मांग के खुशहाल होते रहे हैं अभी तक, हम कर्जे ले के भीख मांग के हम कहते हैं हम खुशहाल हो गए। हमने कभी इंडस्ट्रीज़ पे काम नहीं किया, हमने कभी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे काम नहीं किया। तो जब मैं रिटायर हुआ और मैंने सोचा कि मैं इस मुल्क के लिए क्या बेहतर करूं, तो फिर ये दो चीज़ें थी जिस पे मुझे काम करना था। मैंने सोचा मैं ऐसा शहर बसाऊं जिसके अंदर खाना मुफ्त हो सबके लिए, कोई भूखा ना सोए, जिसके अंदर एजुकेशन मुफ्त हो सबके लिए, तालीम का कोई पैसा ना दे, जिसके अंदर मेडिकल केयर मुफ्त हो सबके लिए और मेडिकल के किसी को पैसे ना देने पड़े, जिसके अंदर इतनी बेहतरीन सिक्योरिटी हो कि वहाँ चोरी जैसी कोई वारदात ना हो सके, जहाँ बेहतरीन सफाई का सिस्टम हो, जहाँ बेवा को मुफ्त घर मिले और यतीमों की कफालत हो, जहाँ ओल्ड होम हो और बुज़ुर्गों को हम इज्जत से रख सकें, जहाँ यतीम खाने हों, जहाँ बेहतरीन तरबियत हो बच्चों की, जहाँ सिर्फ एजुकेशन ना दी जाए, करैक्टर बिल्डिंग हो, करैक्टर बिल्डिंग हो, ताकि आज से चंद सालों के बाद जब बच्चे बागडोर संभालें इस मुल्क की, तो वो ईमानदार हो, वो दयानतदार हो, जहाँ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटीज़ के लिए इंडस्ट्रीज लगाई जाएं और लोग इंडस्ट्रीज़ के मालिकों, जहाँ कोई जॉब ना करे अंडर इंडस्ट्रीज के, ये दुनिया की खुशहाल तरीन सोसाइटी बन रही है और इसको हम पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह 2027 के बाद फैला देंगे पूरे पाकिस्तान में। तो जो कमांडर साहब बात कर रहे थे, उस रियासत की बात कर रहे थे जो कि हर शहरी से प्यार करती है और जो बातें वो कर रहे थे इतनी खूबसूरत हैं, इतनी खूबसूरत हैं कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम उन तमाम चीज़ों को के ऊपर अमल पैरा हो सके और सही मानों में इस तरह का शहर, इस तरह का मोहल्ला, इस तरह का इलाका देख सके जहाँ पर इस तरह की तमाम ज़रूरियात जो हैं वो बआसानी मैसर हों। तो मैं कमांडर साहब आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा, आपकी टीम को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा, परवरदिगार आपकी मदद करे इस अच्छे काम में, इस नेक काम में और आप अपने तमाम नेक मकासद में कामयाब हो सकें।
और अब माजी में बल्दिया उस्मा कराची की एक एसोसिएशन रही है, इस एसोसिएशन के साथ जहाँ पे आपको लुक आफ्टर किया गया है, आपके साथ जो जो रिलेशनशिप रही है, तो इंशाल्लाह उस रिलेशनशिप को मैं आगे लेकर चलना चाहूँगा, मजीद मौसर मजीद मुस्तहकम बनाना चाहूँगा। और प्रेस क्लब मेरा अपना घर है, मेरी बड़ी यादें हैं यहाँ से वाबस्ते हैं, तो इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त कमांडर सिटी जैसा शहर कराची के लिए होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेगा स्टेज की तरफ अच्छा जी, और इन्हीं के साथ यहाँ हमारे साथ दीगर शख्सियात भी मौजूद थी, मोहम्मद जाकिर साहब के साथ, और उनके दरमियान भी यहाँ पर अजरक और ढूल के जो तोहफे हैं वो पेश किए जाएंगे। हमारे साथ कराची प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद जमील साहब यहाँ मौजूद हैं और उनका साथ देंगे सेक्रेटरी मोहम्मद नुमान साहब, तो इन दोनों के लिए भी बहुत सारी तालियाँ होंगी मिलके। इसीलिए कहते हैं सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान नवाजी आपके सामने इस अंदाज से पेश की जा रही है। अच्छा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कारी हमीद साहब से कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आइए। यानी कि इससे ये बात तो वाजह हो रही है कि सिर्फ प्रेस क्लब में ही ये तोहफे दाहिर नहीं चल रहे, बल्कि पूरे शहर में माशाल्लाह से ये मोहब्बतों के गुलदस्ते जो है एक दूसरे को तकसीम किए जा रहे हैं, और मेयर कराची की यहाँ आमद का बुनियादी भी जो है वो हवाला यही है। पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन मौजूद हैं रऊफ सिद्दीकी भाई, तो उनको भी यहाँ पर जो है वो ओके जो है वो गिफ्ट किया जाएगा। की एक्टिविटीज रहती हैं, लेकिन साथ ही साथ हर साल
सालाना हलीम की तकरीब का भी अहतमाम करते हैं ताकि मुमताज शख्सियात अपने तमाम सहाफत के हवाले से मुमताज शख्सियात प्रेस फोटोग्राफर साहिबान और शहर कराची की मुमताज शख्सियात हमारे दरमियान तशरीफ फरमा होती हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।